बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशवाश होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं हाजिर हो गई हूँ एक और न्यू रेसिपी के साथ, और आज हम बना रहे हैं कबाब चीजी पिज्जा। ठीक है जी, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, झटपट से रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि पिज्जा बना रहे हैं तो पिज्जा की डो बनाएंगे। बहुत ही सिंपल मैं आपको पिज्जा की डो यहाँ पे बनाना सिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे हाफ कप जो है गर्म पानी लिया हुआ है, इसको एक बोल में शामिल कर दें। ठीक है, इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ एक चम्मच के जितना चीनी। ठीक है, एक चम्मच चीनी चली गई, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। गर्म पानी है तो वो चीनी जो है वो जल्दी से डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही हम लोग जो है वो इसमें शामिल कर देंगे, ये मैंने एक चम्मच भर के यीस्ट लिया हुआ है। ठीक है, इंस्टेंट यीस्ट लिया हुआ है मैंने। मैं साथ ही यीस्ट भी शामिल कर दूंगी। ठीक है, और मैंने इसको ढक देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। जी जनाब, तो 15 मिनट्स हो गए हैं, अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि यीस्ट हमारी, ये देखिए, एक्टिवेट हो गई है। ये देखिए, ठीक है, फ्लफी हो गई है, इसका मतलब जो यीस्ट है वो हमारी एक्टिवेट हो गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल हम लोग इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस क्वार्टर टीस्पून। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1.5 कप मैदा। ठीक है, 1.5 कप मैदा मैं ये भी शामिल कर दूंगी, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है इसी लिक्विड में। ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम इसे गूंद लेंगे, ज्यादा हमें लिक्विड ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये इसी में ही बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पहले ये थोड़ा सा स्टिकी आपको लगेगा, लेकिन आप इसे गूंदते रहिएगा तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से एक सॉफ्ट डो जो है वो हो जाएगी रेडी। तो इसको मैं जल्दी से गूंद लेती हूँ। जी तो जनाब, ये आप देख सकते हैं कि डो को मैंने जो है वो गूंद लिया है। यहाँ पर मैं तकरीबन 1 to 1.5 स्पून में ऑयल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और इसे बहुत अच्छे तरीके से मैं लगा लूंगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लगा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये देखिए सॉफ्ट जो है वो हमारी डो बनी है, और अब हम लोग बस ये ऑयल मैंने इस पर लगा के, आप इसे इस तरीके से एक बड़ा सा पेड़ा बना लें। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, और अब मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ ये क्लिंग पेपर। आप इसे क्लिंग पेपर लगाइए, और उसके बाद आपने इसे किसी भी गर्म जगह पे छोड़ देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, ये देखिए क्लिंग पेपर अच्छे से हम इसके ऊपर लगा लेंगे। चल, और अब इसको जो है अच्छे से कवर करके कि कहीं से भी इसमें एयर ना जाए, और हम इसे छोड़ देंगे 1.5 से 2 घंटे के लिए। ठीक हो गया जी जनाब, तो जब तक हमारा जो डो है उसका राइजिंग प्रोसेस चल रहा है, तो हम लोग क्योंकि बना रहे हैं यहाँ पे कबाब चीजी पिज्जा, तो हम अपने रेडी कर लेते हैं कबाब। कबाब का जो मिक्सचर है वो हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चिकन का कीमा, और वो मैंने चॉपर में डाल दिया है। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे लिया है 1 पाव चिकन का कीमा। ठीक है, छोटे छोटे से कबाब हम बनाएंगे। 1 पाव मैंने चिकन का कीमा लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ इसमें इंग्रेडिएंट्स में डालूंगी, जिसमें 2 चम्मच तकरीबन है हरा धनिया, 1 मैंने छोटा सा प्याज लिया था, उसको मैंने मोटा काट लिया है क्योंकि वैसे ही चॉपर में चॉप हो जाना है। मसालों में मैंने नमक लिया है, कुटा हुआ धनिया लिया है, कुटा हुआ भुना हुआ जीरा लिया है, रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं, और चाट मसाला लिया है। ठीक है, ये जो भी मसाले हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कबाब में शामिल कर सकते हैं। अब मैं ये इसके अंदर डाल के इसको चॉप कर लेती हूँ, और उसके बाद हम अपने कबाब को शेप दे देंगे। तो मिक्सचर को हमने कर लिया है चॉप, और ये हमारा कीमा जो है मसाले के साथ डाल के तो हो गया है रेडी। अब हम सिंपल अपने हाथों को करेंगे हल्का सा ग्रीस, और उसके बाद हम जो है वो छोटे छोटे से कबाब जो है वो रेडी कर लेंगे झटपट से। बस इतना सा जो है वो काम है, आप लोगों की मर्जी है, जैसे चाहे मर्जी आप लोग कबाब का शेप दें, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, छोटे छोटे कबाब बनाएंगे, और ये देखिए, ठीक है, बहुत ही इजीली ये बन जाएंगे, झटपट हम इनको शेप दे देंगे। बस हल्का सा अपने हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा तो बहुत इजीली ये हो जाएंगे रेडी। ठीक हो गया, ये देखिए, ठीक है,
ऐसे ही मैं तमाम जो कबाब हैं वो कर लूंगी रेडी। हाँ जी, तो कबाब जो है वो बन के हो गए हैं तैयार, ठीक है। और अब ये डो देखिए, ये भी हम लोगों की हो गई है रेडी, हो गई अच्छे से राइस। इसको खोल लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये डबल हो गया है बिल्कुल हमारा आटा, अच्छे से राइस हो गया है। ट्रे मैंने ले लिया है, आप चाहे तो गोल भी बनाएं, आपकी मर्जी है, स्क्वायर बनाएं, जो आपके पास पैन अवेलेबल है आप वो बनाएं, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया था। आटा जो है वो मैं ले लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसे ऐसे कर लीजिए कि इसमें से जो एयर है वो अच्छे से निकल जाए, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपके हाथों पे चिपकेगा नहीं, बिकॉज हमने इसको अच्छे से ग्रीस करके रखा था, तो ये वो चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। बस ये है कि हमने थोड़ा सा इसमें से एयर को जो है वो बाहर निकाल लेना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें मैं डाल के इसको मैं फैला देती हूँ इधर ही इक्वली, ठीक है। बहुत इजीली ये हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। साइज इसकी जो है वो जरा ज्यादा मोटी ना रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से फैलाएं। सही हो गया, ये देखें बहुत ही इजीली जो है ये हमारा फैल गया है, ठीक है जी। चलिए, जी, तो मैं आपको एक यहाँ पे एक बात ये कह रही हूँ कि जब आप लोग ये वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपना अवन जो है वो आप लोगों ने प्री हीट करने के लिए रख देना, ठीक है। जब तक हमारी ये असेंबलिंग होगी तब तक वो प्री हीट हो जाएगा, उसके बाद हम इजीली जो है अपना पिज्जा जो है वो प्री हीटेड अवन में डाल देंगे। मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे हल्के हल्के से फॉक से कट्स लगा रही हूँ, बिल्कुल लाइट से, ज़्यादा नहीं, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम पिज्जा सॉस को स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। आपके पास पिज्जा सॉस अवेलेबल नहीं है, इट्स ओके, आप टोमेटो केचप लगा लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। चिली गार्लिक सॉस लगा लीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो गया। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बिल्कुल लगाइए। मैंने ये रेडीमेड ली है, जो बाहर से अब ईजिली जो है वो हर ब्रांड की आपको पिज्जा सॉस बहुत ईजिली जो है वो मिल जाती है, ठीक है। तो ये मेरी बाहर की ही है, घर में भी ये बहुत इजीली बन जाती है। कभी इंशाल्लाह दूसरा कभी इसी फ्लेवर का पिज़्ज़ा आपके साथ ट्राई करूँ, मतलब शेयर करूँगी, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि पिज़्ज़ा सॉस भी शेयर कर लूँ, ठीक हो गया। चले, ये तो पिज़्ज़ा सॉस जो है वो हो गई इसके ऊपर स्प्रेड। अब मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा भी इस वक्त मैं चीज़ डाल रही हूँ, ठीक है। वो जो बिल्कुल हमने भर भर के डालना है ना, वो हम लोग ऊपर से डालेंगे। अभी मैं बिल्कुल लाइट सा जो है वो इस पर चीज़ डालूंगी। अच्छा जी, कबाब की सेटिंग कैसे करनी है? कबाब की सेटिंग के लिए ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखें, हल्का सा मैं स्पून जो है वो इस तरह करूंगी कि हल्का सा ना मुझे ये इस तरीके से मैं ये स्पेस जैसे कबाब के लिए बना लूँ, ठीक है। ताकि ये सिर्फ बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा जो कबाब है ना वो ऊपर ऊपर ना पड़े हो, ठीक है, वो थोड़े से इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए, ये लगा के ना इसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए ऐसे, तो क्या है कि वो बहुत ही इजीली जब वो राइज होगा हमारा पिज्जा, तो ये इजीली उसमें अंदर जो है वो आराम से चले जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो कबाब हो गए हैं सेट। अब मैं कहीं कहीं जो है वो इसमें शिमला मिर्च, वैसे ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है क्योंकि यहाँ हम लोग सिर्फ कबाब एंड चीज़ी पिज्ज़ा बना रहे हैं, तो लेकिन ये है कि मुझे कैप्सिकम ज़रा पिज्ज़ा में अच्छा लगता है और ज़रा कलर भी देगा, तो मैं कहीं कहीं जो है वो ये एक एक पतला वाला जो स्लाइस है कैप्सिकम का, ये भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कोई वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बट मैं तो ये कहूँगी कि अगर ये कबाब चीज़ी पिज़्ज़ा है तो इसको कबाब चीज़ी पिज़्ज़ा ही रहने दें, ठीक है। कुछ डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज हम लोग वेज पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा वो तो बहुत ही बनाते रहते हैं ना, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अब हम लोग ये टोटल जो हमारी चीज़ है ना, जो चीज़ी मैजिक है ना, वो अब होगा। अब बहुत अच्छे तरीके से आपने जो है ये जो चीज़ है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देनी है हर जगह पे, ठीक हो गया। बहुत अच्छे तरीके से इसको हम स्प्रेड कर देंगे,
जरूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत डिफरेंट पिज्जा है और हटके है थोड़ा सा। हम लोग बाहर से अक्सर जो है ये ऑर्डर कर रहे होते हैं कबाब पिज्जा एंड ऑल, घर में भी बनाइए, हेल्दी बनाइए, अपने हाथ से साफ सुथरा बनाइए और इंजॉय कीजिए। ठीक है जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिंच ऑफ ओरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे, बस पिंच ऑफ ओरिगेनो। ठीक है, सारा एक ही जगह चला गया, इट्स ओके। चलें जी, नाउ इट्स रेडी कि ये अवन में जाए हम लोग इसे बेक करने के लिए। मैं इसे अवन में डाल रही हूँ, अवन हो चुका है प्री हीट। ठीक है जी, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 टू 25 मिनट्स के लिए हम करेंगे इसको बेक और उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो जनाब, पिज्जा जो है वो हो गया है रेडी। एज यू कैन सी के हाउ चीजी इट इज एंड हाउ डिलीशियस इट इज लुकिंग। डू ट्राई दिस रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की और आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खुश रहें, खुश रहने दें। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।